धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष जी। 26 फरवरी को हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने रेल का बजट प्रस्तुत किया था और कल से उस पर लगातार चर्चा हो रही है। मैंने पहली बार इस सदन में विपक्ष को बहुत असहाय स्थिति में देखा है। आलोचना करने की उनकी क्षमता और योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस रेल बजट में उनको ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो असहाय दिख रहे हैं। हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है और रेल को राजनैतिक हथियार बनाने वालों को आईना दिखाने का काम किया है। रेलवे के विस्तार, आधुनिकीकरण और रेलवे में ठोस बदलाव के संकेत दिए। संकेतों से स्पष्ट है कि रेलवे अब राजनैतिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है, यह भारत के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ साथ पूरे देश का प्रिय परिवहन का साधन है। और यह रेल बजट प्रस्तुत करने में हमारे माननीय रेल मंत्री जी सुरेश प्रभु जी और उत्तर प्रदेश से आने वाले रेल राज्य के मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी को मैं बहुत बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश की चिंता की है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में भी जो उन्होंने योजनाएं दी उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय रेल मंत्री ने भारतीय रेल की स्थिति को सुधारने के लिए अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रेरणा ली है और उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा था कि इतना बड़ा देश है, इतने संसाधन है, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है, तो रास्ते खोजेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। और परिणाम स्वरूप उन्होंने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए रेल मंत्री जी ने प्रभावशाली, पेशेवर और परिणाम देने वाला बजट प्रस्तुत किया है। बजट में होता क्या है? बजट जिनके लिए बनाया गया है उनके लिए इस बजट में क्या है? बजट के लिए संसाधन जुटाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? कैसे हम अपने लीकेज को रोकेंगे? ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट में की हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं के सोच पर यह बजट खरा उतरता है। वहीं आधारभूत ढांचे में 1/3 वृद्धि का लक्ष्य है तथा 5 साल में 8.50 लाख करोड़ के निवेश की व्यवस्था की गई है। रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन व मेक इन इंडिया का जो सपना है उसको भी क्रियान्वयन के लिए इसमें रखा गया है। रेलवे के प्रबंधन के विकेंद्रीकरण के साथ साथ धन के ठीक इस्तेमाल के लिए केंद्रीय स्तर का निगरानी तंत्र भी बनाया गया है, उसका भी प्रस्ताव है। वित्त पोषण, जिसके लिए हमारे बहुत विरोधी लोग शोर मचाते हैं आखिर पैसा कहां से आएगा, वित्त पोषण हेतु प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, स्टेशनों ट्रेनों पर विज्ञापन के जरिए धन अर्जित करने के साथ साथ परियोजनाएं पूरी करने के लिए राज्यों पीएसयू का भी साथ लेंगे। एक अहम पहलू जो इस रेल बजट का है वह है रेलवे की आमदनी का आधार किराए को नहीं बनाया गया है। भारतीय रेल की दशा व दिशा को अगले 5 वर्ष में बदलने का विश्वास माननीय रेल मंत्री जी ने एक निश्चित वित्तीय आधार पर किया है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में प्रस्तावित 8,56,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था बीमा, पेंशन फंड, विश्व बैंक, IMF, राज्यों की हिस्सेदारी, छोटे शहरों की रेलवे की जमीनों के व्यावसायिक उपयोग, CSR आदि के द्वारा करने की योजनाएं हैं। यहां से ये पैसा आएगा। इस तरह रेलवे में फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। उसके ठोस उपायों के साथ साथ लीकेज पर नियंत्रण करने, माननीय उपाध्यक्ष जी अभी शुरू किया है, 2 मिनट तो समय दीजिए, 5 मिनट का समय मेरी पार्टी ने मुझे अलाट किया है। अब 5 मिनट आप रुक जाइए, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। इस समय रेलवे में फंड की कमी नहीं की जाएगी। लीकेज पर नियंत्रण करने के लिए खर्चों की समीक्षा की इच्छा के कारण ही कहा गया है कि बिजली, जिसका सबसे बड़ा उपभोक्ता रेलवे है, अब वह बोली के द्वारा, नीलामी के द्वारा बिजली को खरीदेंगे। ई प्रोक्योरमेंट के द्वारा बिजली खरीदने का प्रस्ताव है। वहीं कायाकल्प काउंसिल और 4 विश्वविद्यालयों के रिसर्च सेंटर बनेंगे जो लीकेज को रोकने का काम करेंगे। जहां एक ओर दृढ़ इच्छा शक्ति से रेलवे के सुधार का यह ईमानदार प्रयास है, योजनाओं, फंड प्रबंधन, निवेश सबका ध्यान रखा गया है, वहीं आधारभूत संरचना व यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखकर रेल को वास्तव में पटरी पर लाने का यह गंभीर प्रयास है।
बिना यात्री किराया बढ़ाए यात्रा को सरल, सुगम, सुरक्षित व आरामदायक बनाने का प्रयास किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रमुख स्टेशनों पर लिफ्ट, एक्सीलेटर, नए 650 स्थान। केवल दो मिनट में सर, दो मिनट में समाप्त कर दूंगा, केवल दो मिनट। कम टू द पॉइंट, ओनली टू मिनट्स। यू आर कॉन्फिडेंस, यू टेल ओनली टू मिनट्स सर, प्लीज प्लीज सर, ओनली टू मिनट्स। 650 स्टेशनों पर नए शौचालयों के निर्माण, 1700 नए बायो टॉयलेट्स, बुजुर्गों, महिलाओं व विकलांगों के लिए नीचे सीटें देने, ऐसी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा गया है। और यही इस बजट की प्राथमिकता है कि रेल यात्री को सुरक्षित, सम्मानित व आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ साथ गाड़ियों में जो भी और सुविधाएं दी गई उनको मैं छोड़ रहा हूं, केवल एक मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। 30 साल में पहली बार, केवल ओनली सर, आधा मिनट में खत्म कर रहा हूं, आधा मिनट, ओनली हाफ मिनट। 30 साल में पहली बार बहुमत से चुनकर आई मोदी सरकार ने मौका मिलते ही रेलवे को राज्यों की राजनीति से बाहर कर दृढ़ इच्छा शक्ति व आत्मविश्वास से पुरानी परंपराओं को ध्वस्त करके देश का रेल बजट देश के लोगों के लिए बनाया है। कई बदलाव हुए हैं, आगे और हो सकते हैं, इसका भी संकेत दिया है। लोग लुभावन दिखने